श्री सुखदेव महाराज कहते हैं कि श्री सुदामा जी भगवान के परम शाश्वत सखा है। हाँ, ध्यान से सुनना, और जितनी महिमा सुदामा जी के लिए लिखी गई है उतनी किसी के लिए नहीं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, पहली महिमा ब्राह्मणो, वो ब्राह्मण है, ब्रह्म विद्यमा, वो भगवान को जानने वाले ब्रह्म को, विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो विरक्त हैं, इंद्रियों पर उनका कंट्रोल है, प्रसन्नात्मा, वो प्रसन्न आत्मा है, जीते इंद्रिया, उन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला, क्या नाम था? सुशीला, यथा नाम तथा गुण, सुशीला नाम, सुशील स्वभाव की, जिंदगी भर एक साड़ी में निकाल दी, कभी पति से शिकायत नहीं करी। आजकल की माताएं होती, एक दिन खा भी ना मिले तो दूसरे दिन बोले ठीक है अपनो तपनो, तलाक, दूसरी जगह इंचरी। बोलो सीताराम। सुशीला का यथा स्वभाव, यथा नाम तथा गुण, धन है सुशीला जी, पूरी जिंदगी एक साड़ी, फटी साड़ी में गुजार दी, कभी पति से शिकायत नहीं की, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब आज के लोगों से तो राम ही बचाए। अच्छा, नाम भी ऐसा होना चाहिए जैसे गुण मिलते हैं। कई लोगों के नाम ऐसे होते हैं कि गुण मिलते ही नहीं है। जैसे ए, 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 एक जन को नाम है तो शांति बाई, जहां जाती सो क्रांति फैलाती जाती, नाम शांति बाई, जा रही सो क्रांति बाई, क्रांति क्रांति दो हो क्रांति, रंतर अक्षर गुण क्रांति। सुशीला यथा नाम तथा गुण, आ हा हा। सुदामा जी के लिए भागवत में गरीब नहीं आया, दरिद्र सीधमाना सा बेप माना भी गम्मचा। सुशीला जरूर दरिद्र थी पर सुदामा जी गरीब नहीं है भागवत में। अरे वो गरीब कैसे हो सकता है जो कृष्ण के सखा हो, वो भला गरीब कैसे हो सकता है। सुदामा जी के चरित्र में क्या कहना, बुरा ना माने तो एक करोड़ों की बात बताएं तुम ना। करोड़ों की बात यह है कि सुदामा जैसा ना मित्र हुआ है, न था न है, न कभी आगे कालांतर में सुदामा जैसा मित्र होगा। जिंदगी में जो सुदामा जी ने भगवान श्री युगल नंदन नंदन द्वारकाधीश को समर्पित किया, वो किसी ने नहीं किया। लोग कहते हैं सुदामा जी ने छल किया था, तुम लोगों ने भी यही सुना, सुदामा जी ने छल किया था, गुरु माता ने चना दिए तो चोरी चुपके खा लिए, यही सुना था ना, तो भगवान ने श्राप दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ो पहले। इसलिए तो कहते हैं गुरु बिन होए ना ज्ञान। सुदामा जैसा मित्र ना हुआ ना होगा, भगवान ने कोई श्राप नहीं दी सुदामा को, हम खंडित करते हैं, कोई श्राप नहीं दी, एक भी बार श्राप नहीं दी भगवान। दरअसल वो चनों की कहानी ऐसी है, एक बुढ़िया माँ थी, बुढ़िया औरत, वो सिला भी ना करती थी। सिला जानते हो, जब खेती कट जाती है तो बालों से कुछ दाने नीचे गिर जाते हैं, उसको बीनने के लिए उसे सिला कहते हैं, सिला बीन। वो बूढ़ी औरत सिला बीन करके चने रखी थी एक पोटली में। एक बार उसके घर में एक चोर आया, चोर पोटली लेकर के चला गया, बुढ़िया को बड़ा बुरा लगा, बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तू चोरी करके मेरे चने ले गया, जा मैं श्राप देती हूं कि जो भी इन चनों को खाएगा वो जिंदगी भर दरिद्री रहेगा। वो चोर चने लेकर के भागा भागा जा रहा था, लेकिन जैसे ही संदीपनी आश्रम उज्जैन के सामने से निकला, उसके पैर में चोट लग गई, वो चोट लग करके मुंह के बल गिर पड़ा, हाथ से पोटली खुल गई, चने बिखर गए, चने बिखरे। तो चोर ने बचने के उद्देश्य से चनों को वहीं छोड़ दिया और दौड़ लगा दी। वो आश्रम कोई और नहीं, वही आश्रम है जहां हमारे द्वारकाधीश ठाकुर जी और जहां पर सुदामा जी विद्या अध्ययन किए थे। गुरु माता
झाड़ू लगाने के लिए बाहर निकली, चने बिखरे हुए पोटली पाई, गुरु माता ने वो सभी चने बीन करके रख लिए। ध्यान से सुनना मेरे पागलों, चनों की पोटली को ला करके रख लिया। एक दिन कथा वैसे ही है, बरसात हुई, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, तो भगवान कृष्ण और सुदामा को लकड़ी लेने के लिए वन में भेजा। गुरु मां ने सोचा घर पे तो बहुत कुछ खाने के, गुरु आश्रम में तो बहुत कुछ खिलाने को नहीं है, इन चनों को दे देते हैं, बच्चे चनों को खा करके रह लेंगे, शाम को फिर आकर के भोजन कर लेंगे। वो श्रापित चने जिन पर बुढ़िया श्राप दे चुकी थी कि जो भी इनको खाएंगे वो जीवन भर दरिद्री रहेंगे, श्रापित चने लेकर के भगवान कृष्ण तो थोड़ा आगे निकल गए, सुदामा जी थोड़ा पीछे थे। गुरु मां ने वो पोटली सुदामा जी को दे दी, बेटा तू भी खा लेना, आधा चने का भाग अपने मित्र कन्हैया को दे देना ताकि पेट के लिए कुछ आहार हो जाए। सुदामा ने गुरु मां को धन्यवाद दिया, हाथ में चनों की पोटली लेकर के सुदामा चले। निकले ही थे कि सुदामा ने चनों की पोटली को देखना चाहा कि आखिर चने कितनी मात्रा में, लेकिन सुदामा ने जब चनों को गौर से देखा, सुदामा कोई साधारण नहीं, भगवान कृष्ण का मित्र साधारण तो हो ही नहीं सकता। सुदामा भी ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, सुदामा जी भी ब्रह्म को जानने वाले थे। सुदामा ने जब उन चनों को गौर से देखा तो सुदामा ने पाया यह चने श्रापित हैं, इनको श्राप लगी है कि जो भी इनको खाएगा वो जीवन भर दरिद्री रहेगा। गुरु माने तो आज्ञा दी कि दोनों आधा बांट बांट करके खा लेना, अगर मैं आधा आधा बांट करके खाऊंगा तो आधी जिंदगी मेरे कन्हैया को और आधी जिंदगी मुझे, दोनों को दरिद्रता भोगनी पड़ेगी, फिर मैं मित्र किस काम का। मैं एक काम करता हूँ, चोरी चुपके पूरे चने को खा लेता हूँ, मेरा कन्हैया राजा बना रहे, मैं भले ही दरिद्र हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मित्रता को निभाने के लिए सुदामा ने वो चने खाए। हमने सुना है सुदामा ने जितने चने खाए वो चने के दाने थे 40, सुना है 40 दाने थे, इसलिए सुदामा 40 वर्ष तक भगवान कृष्ण से दूर रहे और दरिद्रपन भोगना पड़ा। सुदामा जैसा न मित्र हुआ न हो सकता। मित्रता का मतलब लेन देन का व्यवहार नहीं है। मेरे पागलो तुम याद रखो, मित्रता का मतलब है सब कुछ अपने मित्र के लिए समर्पित कर देना। मित्रता कोई समझौता नहीं है कि कुछ तुम दो फिर कुछ मैं दूं। मित्रता का मतलब ये नहीं थोड़ा तुम मिलो थोड़ा मैं मिलूं। मित्रता का मतलब है अगाध श्रद्धा, मित्रता का मतलब है समर्पण, मर्यादाएं तोड़ दो मित्रता के लिए तो मित्रता, वरना क्या खाक मित्रता। पूरी जिंदगी सुदामा दीनता में गुजारते रहे। 4 संतान थी सुदामा के, घर पर भोजन भी नहीं रहता था, बालकों को भी कुछ खिला नहीं पाते थे, कथा सबको पता है।
उसमें जाएंगे बहुत डूब जाएंगे। एक दिन सुशीला ने कहा आपके मित्र द्वारकाधीश से उनके पास जाओ। द्वारका जाओ हुजू, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका सुदामा भगवान मित्र से मिलने गए। तीन मुट्ठी चावल सुशीला मांग करके लाई, लेकर के गए। कथा सबको पता, द्वारपालों ने रोका, सुदामा ने परिचय दिया, भगवान अंदर श्रृंगार कर रहे थे। द्वारपाल ने बताया कोई आपका मित्र आया है। भगवान ने पूछा क्या नाम है। जब तक सुदामा पूरा नाम ले पाते तब तक भगवान, जैसे ही द्वारपाल ने कहा सु, भगवान उठ गए। द्वारपाल ने कहा दा, भगवान ने दौड़ लगा ली। जब तक वो माँ कह पाता तब तक गले से लगा लिया। सुदामा जी वहाँ बहुत दिनों तक रुके, भगवान ने एक दिन विदा दी और सुदामा पुरी को भी स्वर्ण नगरी बना दिया। जैसी सुदामा जी की सुनी वैसी भगवान सबकी सुने, ऐसी ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना। बोलो द्वारकाधीश की जय।